आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर आगरा में केंद्रीय रेल मंत्री मनोज सिन्हा ने ताजनगरी के ताजगंज इलाके में बसे खुर्द में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ भाजपा के पूर्व मंत्री रमाशंकर कठेरिया और अन्य क्षेत्रीय विधायकों ने आयोजन में शिरकत की, तो वहीं सरकार के 3 साल के कामों का बखान भी किया। 2014 लोकसभा चुनाव के पूर्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक देश में नए प्रकार की आकांक्षा जागृत की थी। 3 वर्षों में देश के लोगों में एक विश्वास हुआ है कि जो आकांक्षा जगी थी वो जमीन पर वास्तव में उतर रही है और सच्चाई लोग देख रहे हैं। इसलिए दिन पर दिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों में आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध लाडली जी मंदिर से 8 लाख के सोने के आभूषण गायब होने से सेवायतों के साथ प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताते हैं, सोने के आभूषणों के साथ अन्य कीमती सामान सेवायतों की लापरवाही से मंदिर के अंदर कहीं गुम हो गया। अब इन आभूषणों की भरपाई सेवायतों से की जाएगी। मथुरा के वृंदावन में 2 झोपड़ियों में आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया, तो दोनों परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए, जिनकी मदद के लिए अब सामाजिक संस्था ने पहल की है। तो वहीं दोनों को खाद्य सामग्री के साथ उनके लिए टीन सेट डलवाकर उनके रहने का इंतजाम किया गया है। तो वहीं पीड़ित परिवारों के लिए मदद की बात भी कही गई है। हरदोई के कचहरी परिसर में 2 पक्षों में पेशी के दौरान झड़प हो गई, तो वहीं परिसर में जमकर ईंट पत्थर चले और दोनों पक्ष लहूलुहान हो गए। बताते हैं, पीड़ित महिला आरती का विवाह 11 मई 2014 को रंजीत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों के रिश्ते मधुर न होने पर मुकदमेदारी की गई। तो वहीं सुलह समझौता के लिए दोनों को अदालत में पेश होना था, जिसमें दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया, तो वहीं पुलिस ने मामला शांत कराया। बहराइच जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के बाद मरीज की मौत हो गई, तो वहीं आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और इमरजेंसी में तोड़फोड़ की। इसी के साथ कई थानों की पुलिस को बुलाकर हालात पर काबू पाया गया। ऐसे में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई, तो प्रशासन ने शव कब्जे में लेकर दोषियों पर कार्रवाई की बात को कहा है। शावस्ती में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होमों के साथ झोला छाप डॉक्टरों और पैथोलॉजी सेंटर पर प्रशासन ने शिकंजा कसा, जिसके चलते डीएम के निर्देश पर 3 सेंटरों पर छापेमार कार्रवाई को एसडीएम ने अंजाम दिया, जिसमें केंद्रों की जांच के साथ रजिस्ट्रेशन सहित अन्य कागजातों की गहनता से जांच की जा रही है। और इस पे जो भी जांच के बाद जो भी अगर कोई गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। सहारनपुर के सुलगने के बाद अब आँच बुलंदशहर तक पहुंच गई है, जिसके चलते अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर एकजुट होकर सांकेतिक मौन रखा, तो वहीं डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ मृतक परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग की। रुड़की के सिविल अस्पताल में अचानक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के छापे से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित जब वार्ड में पहुंचे तो वहां उन्होंने गंदगी देखकर सीएमएस को फटकार लगाई। इसी के साथ बाहर से दवा मंगाने पर भी नाराजगी जाहिर की। सिविल हॉस्पिटल रुड़की का हमने औचक निरीक्षण किया, जिसमें हमने ये देखा कि कई डॉक्टर्स स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट जो कई छुट्टी पर गई हुई, जिससे कि महिला जो मरीज आ रही है उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हम ये स्पष्टीकरण कॉल करेंगे क्यों सभी डॉक्टर्स को एक साथ छुट्टी पर अलाउ किया गया, जबकि अभी मौसम ऐसा है कि बीमारियों का फैलना काफ़ी अभी प्रोमिनेंट है। दूसरा, सफाई व्यवस्था के बारे में जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है जो सफाई देखता है उसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी पुअर मिली। कई जगह कचरा गंदगी मिली है, जिस पर उसको निर्देश दिया गया कि अगर उसने 2 दिन में अपने व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो उसका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा पुनः ठेका किया जाएगा। रुड़की के गंगनहर कोतवाली पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब यहाँ पुलिस ने 2013 में निजी कॉलेज के प्रोफेसर के घर लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को 4 साल बाद गिरफ्तार किया, तो पुलिस ने इन पर इनाम भी रखा था। रुड़की में ही गंगनहर थाना क्षेत्र में 2013 का एक मुकदमा था जो लूट का मुकदमा था, जिसमें ये वांछित अपराधी था, इसमें चार्जशीट चली गई और ये गिरफ्तारी इसकी नहीं हो पाई थी, ये तब से फरार चल रहा था। इतने सालों बाद इसमें एक सब इंस्पेक्टर हमारे लगाया गया प्रमोद कुमार, जिन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली और इसे गिरफ्तार किया। इसी के द्वारा ये बताया गया है कि मुजफ्फरनगर के किसी थाने से पुलिस हिरासत में आया था और फरार हो गया, लेकिन उसकी तस्दीक की जा रही है।
रुड़की बिजली विभाग के कार्यालय पर हेल्प ग्रुप के सैकड़ों कर्मचारियों ने हंगामा काटा तो वहीं कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप था कि नई ग्रुप टेंडरिंग प्रक्रिया से बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाएगी तो कर्मचारी ऐसे में आत्मदाह को मजबूर होगा। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।